आज एक बिल्कुल ही नई रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि है सेव की बर्फ़ी। तो ये ना बहुत ही टेस्टी लगती है, देखते हैं ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए सेव बनाने वाले हैं। तो सेव के लिए हमने यहाँ पे बेसन लिया है और उसके अंदर हमने ऐड किया है 2 चम्मच जितना घी ऐड करना है। थोड़ा सा मोइन लगता है ना, तो मोइन के लिए घी ऐड करेंगे। और इसका जो आटा हम लगाएंगे ना, वो हम दूध से लगाएंगे। तो दूध यहाँ पे हमने 1 कप ऐड किया है। तो इसका आटा जो है ना, वो हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, क्योंकि हम सेव बनाने वाले हैं ना। तो थोड़ा सा इसका सेमी सॉलिड जैसा इसका आटा लगाना है, ये देख सकते हो आप लोग। तो ना ही पकौड़े जैसा एकदम ढीला बनाएंगे और ना ही रोटी जैसा एकदम हार्ड बनाएंगे। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। एकदम सॉफ्ट आटा हमारा रेडी हो चुका है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेव बनाने वाली जाली होती है ना, एकदम छोटे छोटे से होल्स वाली, वो हमने सेव के मशीन में लगा दी है। अब ये जो हमने बैटर बनाया है, उसको हम उसके अंदर डाल देंगे। तो आप आराम से डालिएगा। अगर आपके पास इससे भी छोटी जाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और हम इसे फ्राई करेंगे घी के अंदर। तो हमने यहाँ पे घी गरम होने के लिए रख दिया है और घी गरम हो चुका है। अब इसके अंदर ही डायरेक्टली हम सेव बनाने वाले हैं। तो सेव का जो मशीन है ना, उसे 3 से 4 बार अच्छे से घुमा लीजिएगा, जिससे कि एकदम मोटी वाली थोड़ी सी सेव बन जाए। और ये हमारी सेव जो है एक साइड से पक चुकी है, इसलिए हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड से पकने के लिए। और ये हमारी दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है। अब क्या करेंगे, एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर एक छलनी रख देनी है, यानी कि जो होल्स वाली छलनी होती है ना, वो रख देंगे और उसके ऊपर हम सेव निकाल देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा ड्रिप आउट हो जाए। और हमने इसी तरह से सारी सेव जो है वो बना दी है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे केसर लिया है, केसर को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो सेव है ना, उसको हम थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। ज़्यादा बारीक इसको क्रश नहीं करना है, क्योंकि हमें ना सेव का जो टेक्सचर है वो अंदर बर्फ़ी के अंदर दिखना चाहिए, इसलिए इसको हम थोड़ा सा दरदरा ही इस तरह से तोड़ेंगे। तो आराम से तोड़िएगा, जैसे हम नॉर्मल सेव देखते हैं ना, हमें वैसी सेव दिखनी चाहिए। और यहाँ पे हमने खोया लिया है, खोया को भी अच्छे से हमने क्रम्बल कर लिया है। और ये जो केसर है, उसके अंदर हमने दूध ऐड कर दिया है। केसर को आप रोस्ट करके फिर उसके अंदर दूध डालोगे ना, तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम डार्क येलो कलर आ जाएगा। और 1 कप हमने यहाँ पे दूध ले लिया है। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप हमने शक्कर ली है। तो शक्कर की चाशनी बनाएंगे, पर पानी के साथ नहीं, दूध के साथ बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर 1 कप दूध भी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हमें पकाना है, जब तक कि हमारी शक्कर जो है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, घुल नहीं जाती दूध के अंदर, तब तक हमें इसे पकाएंगे। और इसका जो टेक्सचर है ना, थोड़ी थोड़ी सी जब शक्कर मेल्ट होने लगेगी ना, तो दूध का टेक्सचर थोड़ा सा अलग होने लगेगा, थोड़ा सा पानी जैसा अंदर लगने लगेगा, क्योंकि शक्कर जब मेल्ट होती है ना, तो इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज होता है। तो आप घबराइएगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो गई हो। और फिर उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करना है, हमने जो खोया क्रम्बल किया हुआ था ना, वो ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे 100-200 ग्राम जितना खोया लिया है, और एकदम फ्रेश खोया होता है ना, वही लिया है। और जब तक खोया पूरी तरह से अंदर दूध के अंदर घुल नहीं जाता है, तब तक हमें इसे पकाना है। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अच्छे से इसको घुल जाने दीजिएगा, तब भी अच्छा रहेगा, वरना फिर खोया के चंक्स आते रहेंगे बर्फ़ी में। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये अच्छे से घुल चुका है हमारा खोया जो है वो। और यहाँ पे आप केसर वाले दूध का कलर देख सकते हैं, एकदम येलो कलर आ गया है ना। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है, ये सारा कलर केसर से ही आया है। वो भी ऐड कर देंगे हम, खोया और दूध का जो मिश्रण है ना, उसके अंदर ऐड कर देना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमें इसके अंदर ऐड करना है, इलायची पाउडर है, तो 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर इसे टोटल आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उसे मिक्स कर देंगे। और अब ये देखिए, थोड़ा सा जो हमारा दूध का मिक्सचर है, खोया का मिक्सचर है, वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, इसके अंदर बुलबुले होने लगे हैं। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, और इसके अंदर हमने जो सेव को थोड़ा सा क्रम्बल किया था ना, वो ऐड कर देना है। और ताज़ी बनाई सेव से बनाएंगे ना मिठाई, तो बहुत ही टेस्टी रहेगी, वरना फिर जो पड़ी रहेगी ना, तो उसके अंदर हवा लग जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगेगी।
तो ये हमने ताज़ी बनाई हुई है, बस उसी से हम यहाँ पे सेब की बर्फ़ी बना रहे हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ये जो सेब है ना वो दूध को अब्ज़ॉर्ब करेगी, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने के लिए, और इसे जब तक कि एकदम अच्छे से घुल नहीं जाती, यानी कि सारा दूध जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेती, तब तक हमें इसे पकाना है। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगी ना, तब इसके अंदर आप देख सकते हो ये एकदम मावे जैसा लगने लगेगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, 2 चम्मच इतना हमें इसके अंदर घी ऐड करना है। तो घी ना थोड़ा सा पहले अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा सेब के अंदर और फिर छूटने लगेगा। तो जब घी छूटने लगे ना, तब समझ जाना कि ये बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और सेब भी क्या है ना वो पैन को छोड़ने लगेगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बर्फ़ी जो है बनने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी कि जो मिश्रण है वो सेट होने के लिए तैयार है। तो अभी तो इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, जब इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा, यानी कि देखिए सेब ने है ना कढ़ाई को छोड़ दिया है और एकदम ऊपर ऊपर से मिक्स हो रही है, बिल्कुल भी दूध हमारी कढ़ाई पे नहीं लग रहा है। और अब गैस की फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और कढ़ाई को हम नीचे ले लेंगे, गैस स्टव से नीचे उतार देना है, और थोड़ा सा हमें इसे ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। और जिससे कि क्या होगा, हम जिस बर्तन में इसके डालेंगे ना, वो अगर प्लास्टिक का हो तो वो उसके साथ चिपक नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक के कंटेनर को घी से ग्रीस कर लिया है। आप भी ध्यान रखिएगा, घी से ग्रीस करने के बाद ही इसे ऐड कीजिएगा, और इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे सारा बैटर जो है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ये बर्फ़ी बना सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ी सी बनाई है, आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो ये सेट हो चुका है, अब इसके ऊपर हम चांदी का जो वर्क होता है, यानी कि जो सिल्वर लीफ होती है, वो लगा रहे हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो लगाइए, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, या फिर आप इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिल्वर लीफ लगा दी है, बहुत ही अच्छे से गर्म में लगाई है ना, तो इसके ऊपर थोड़े से बुलबुले हो गए हैं जो कि जल्द ही सेट हो जाएंगे। और ऊपर से हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं सैफ्रन, यानी कि केसर जो होता है ना वो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमने केसर का फ्लेवर दिया हुआ है। तो आप ये भी ऐड करना चाहे तो ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हमारी जो बर्फ़ी है वो एकदम गार्निश हो चुकी है सिल्वर लीफ और केसर से। अब क्या करना है, इसके पीसेस कर लेने हैं। जब ये गर्म हो ना, तब इसके ऊपर हम कट्स लगा देंगे, जिससे कि हम जब ये ठंडी हो जाए तब इसे आसानी से डीमोल्ड कर पाए। तो हमने यहाँ पे कट्स लगा दिए हैं, अब हमें इसे सेट होने देना है। तो सेट होने के लिए हम इसको फ्रीज में रख देंगे, 1/2 घंटे के लिए हमें इसे फ्रीज में रख देना है। फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट में नहीं रखेंगे, नॉर्मल फ्रीज के कंपार्टमेंट में रख दीजिएगा। और ये 1/2 घंटे के बाद सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम ही सुंदर और टुकड़े वाली हमारी जो बर्फ़ी है सेब की, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे। तो आप लोग ये वाली बर्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अब तो बड़ी दिवाली भी आने वाली है, तो इस दिवाली ये वाली बर्फ़ी ट्राई करके घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। तो यहाँ पे हमारी सेव बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नई नई रेसिपीज़ तभी मिलेगी ना जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, बेल बटन भी दबा देना। बाय बाय।